सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी यूएसए के अंदर क्या हुआ, यूएस के अंदर अभी स्कूल्स को रीओपन किया गया था, तो वहाँ पर मोर देन 150,000 केसेस आ गए हैं। अभी रेगुलर चेकिंग चल रही है और भी केसेस आने की उम्मीद की जा रही है। तो उसको देखते हुए WHO ने अभी एक नोटिस जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी कंट्री को अभी इस सिचुएशन के अंदर स्कूल रीओपन नहीं करने चाहिए। मतलब WHO ने साफ साफ वार्निंग तो नहीं दी किसी कंट्री को, बट उन्होंने ये बात बोली कि अभी स्कूल खोलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता है WHO ने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिए थे कई सारे डिसीजन लेने में, बट इन्होंने स्कूल रीओपन के ऊपर जैसे ही यूएससी की कंडीशन देखी उसके बाद में जल्दी से उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस गाइज मेरे को इंडिया टुडे की वेबसाइट में मिला, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूँ। गाइज WHO ने साफ साफ कह दिया कि अभी 2-3 मंथ स्कूल्स को रीओपन करना सही नहीं है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, जिस कंट्री के हालात सही वो स्कूल रीओपन कर लो, लेकिन जहाँ पर अभी केसेस आ रहे हैं जैसे इंडिया हो गए, यूएसए हो गए, रसिया हो गए, और मतलब बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उन कंट्रीज़ में अभी स्कूल रीओपन करना बहुत गलत डिसीजन होगा। तो WHO ने अपनी तरफ से एक गाइडलाइन दी है, बाकी वो कंट्री पर डिपेंड करता है क्या डिसीजन लिया जाता है। तो गाइस ये बात आप समझ लो कि अभी सेप्टेम्बर अक्टूबर के मंथ में तो स्कूल रीओपन करने कोई चांस नहीं है। गाइस मैं स्कूल की सिर्फ बात नहीं कर रहा, इधर कॉलेज और स्कूल दोनों की बात होगी। जो भी एजुकेशन स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, इन सभी को अभी बंद रखा जाएगा। अभी आपको सिर्फ ऑनलाइन स्टडी ही करनी पड़ेगी। जैसे ही गाइज कोई स्कूल रीओपन के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं जल्दी से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। गाइज अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ये कि WHO ने साफ साफ गाइडलाइन दे दी अपने, जो आज कल शाम का लाइव सेशन में हुआ था उसमें उन्होंने गाइडलाइन दी थी। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी कंट्री को स्कूल रीओपन करना सही डिसीजन नहीं होगा। तो गाइज इस वीडियो में इतने ही, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स साथ शेयर करना जिससे उनको भी पता लग सके कि अभी क्या कंडीशन है और अभी इस कंडीशन में स्कूल रीओपन करने के कितने चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, हमने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनने घर पर रहो, सेफ रहो।